ऐसे कौन कौन से पार्ट है जो की कंप्यूटर के मेन पार्ट होते हैं उसके बाद हम इसमें कुछ इसके एडिशनल पार्ट की भी बात करेंगे और फिर उनके फीचर्स की भी हम बात करने वाले ठीक है जैसे ही क्या होता है जैसे ह्यूमन बॉडी के हम लोगों के क्या होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी पार्ट्स होते हैं वैसे ही कंप्यूटर के भी अलग अलग तरह के पार्ट्स होते हैं इस चैप्टर में हम आज एक एक करके सारे पार्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं सो आइए फर्स्ट हम देखते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट लाइक वी ह्यूमन बींगस है जैसे हमारे पास क्या होता है हमारे पास अलग अलग तरह के बॉडी पार्ट होते हैं जो क्या करते हैं अलग अलग परफॉर्म अलग अलग जो हमारा फंक्शन होता है अलग अलग टास्क परफॉर्म करते हैं राइट हमारे बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं जैसे हमें कुछ पिक करना है तो हम क्या करते हैं हैंड्स को यूज करते हैं राइट हमें कुछ ईट करना है तो हम किसका यूज करते हैं हम माउथ का यूज करते हैं करते हैं वैसे ही कंप्यूटर के पास भी क्या होते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरह के बॉडी पार्ट्स होते हैं डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिनसे वो क्या करता है अलग अलग तरह के फंक्शन अलग अलग तरह के टास्क परफॉर्म करता है ठीक है तो हम यहाँ बात करने वाले हैं कि कंप्यूटर के कितने पार्ट होते हैं मेन पार्ट की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर के फोर मेन पार्ट होते हैं कितने मेन पार्ट, है? पार्ट होते हैं फोर मेन पार्ट्स होते हैं फर्स्ट है हमारा मॉनिटर फर्स्ट पार्ट क्या है फर्स्ट पार्ट हमने बोला मॉनिटर मॉनिटर क्या करता है मॉनिटर हमारी टीवी स्क्रीन की तरह दिखता है कैसा दिखता है टीवी स्क्रीन की तरह दिखता है हम जो भी डेटा इनपुट करते हैं कंप्यूटर के अंदर जो भी हम कंप्यूटर को देते हैं वो हमें सब कहाँ दिखता है वो सब हमें दिखता है मॉनिटर के ऊपर कहाँ दिखेगा वो सब हमें वो सब हमें दिखेगा मॉनिटर के ऊपर सो मॉनिटर क्या है मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है आउटपुट डिवाइस मतलब जो भी हम कंप्यूटर को डेटा दे रहे हैं उसका जो प्रोसेस करके हमें मिल रहा है वो हम कहा देख सकते हैं वो हम देख सकते हैं मॉनिटर के ऊपर राइट नेक्स्ट है हमारा माउस नेक्स्ट पार्ट क्या है नेक्स्ट पार्ट है हमारा माउस माउस कैसा होता है माउस जैसे रियल में जैसा चूहा होता है वैसे ही हमारा माउस होता है राइट right? माउस कैसे वर्क करता है एक पॉइंटिंग डिवाइस हमारे पास होता है क्या होता है पॉइंटिंग डिवाइस हमारे पास होता है तो जहां जहां हम माउस को मूव करते हैं वैसे वैसे क्या करता है उस मॉनिटर पे जो पॉइंटिंग डिवाइस है वो सेम वैसे मूव करता है जैसे अपन माउस को मूव करवाते हैं ठीक है माउस के अंदर तीन चीजें होती हैं दो हमारे क्लिक्स होते हैं मतलब राइट right क्लिक और लेफ्ट क्लिक हमारे पास होता है जिससे हम क्या होता है जिनको क्लिक करके हम क्या करते हैं डिफरेंट तरह के फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं और उसके अंदर एक और चीज होती है जो होती है स्क्रॉल व्हील क्या है स्क्रॉल व्हील हम उसे कहते हैं जिससे हम क्या करते हैं कंटेंट को अगर ऊपर नीचे हमें करना होता है तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं हम उसके लिए यूज करते हैं हमारे माउस को राइट right? थर्ड है हमारा सीपीयू सीपीयू क्या है सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका क्या फुल फॉर्म है फुल फॉर्म इसकी होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका क्या मतलब है जैसे हम लोग क्या करते हैं सारा काम सोच समझ के करते हैं ह्यूमन बींगस क्या करते हैं हम लोग हर चीज सोचते हैं फील करते हैं कि भूख लग रही है ये क्या करना है पढ़ाई करनी है ये सारी चीज कौन डिसाइड करता है हमारा ब्रेन डिसाइड करता है वैसे ही कंप्यूटर में अगर कोई टास्क परफॉर्म करना होता है तो वो भी कौन डिसाइड करता है वो भी हमारा सीपीयू डिसाइड करता है तो सीपीयू क्या है जैसे हमारे लिए हमारा ब्रेन है वैसे ही सीपीयू क्या है कंप्यूटर के लिए उसका ब्रेन होता है तो सीपीयू को हम क्या कहते हैं सीपीयू को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है कोई भी डेटा को प्रोसेस करना हो उसमें कुछ भी हमें कुछ कैलकुलेट करना हो तो वो सारे टास्क कौन परफॉर्म करेगा वो सारे टास्क हमारे सीपीयू जो है वो परफॉर्म करता है क्लियर हुई बात नेक्स्ट है हमारा कीबोर्ड कीबोर्ड क्या करता है कीबोर्ड मतलब क्या है पहले तो कीज मतलब क्या होती है बहुत सारे बटन और बोर्ड क्या है एक हमारे पास फ्लैट बोर्ड है एज यू कैन सी राइट पे क्या है है बहुत सारे डिफरेंट 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 तरह की कीज कीज होती है. इन को हम हम प्रेस करके चीजें लिख सकते है, हम कर सकते हैं हैं फंक्शंस परफॉर्म कर और वो सब हमें कहा दिखेगा जो भी हम इसमें टाइप करेंगे वो जो भी हम इसमें टाइप करेंगे वो हमें दिखेगा मॉनिटर स्क्रीन पे किस पे दिखेगा मॉनिटर स्क्रीन पे सो मॉनिटर स्क्रीन क्या है हमारा आउटपुट डिवाइस है और की क्या हुआ की हमारा इनपुट डिवाइस होता है ठीक okay? है

वो हमें मॉनिटर के ऊपर दिखेगा कहाँ दिखेगा मॉनिटर के ऊपर दिखेगा वैसे ही अगर हमने कंप्यूटर में कोई मूवी प्ले करी कोई हमने गेम खेला तो वो सब हमें कहाँ दिखता है वो सब हमें शो होता है मॉनिटर के ऊपर कहाँ शो होगा मॉनिटर के ऊपर इट इज ऑल्सो कॉल्ड विजुअल डिस्प्ले यूनिट इसे क्या कहा जाता है इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है इसका क्या मतलब है इसका ये मतलब है कि जो भी हम उसको डेटा दे रहे हैं कंप्यूटर को उसे हम कहाँ देख सकते हैं उसे हम मॉनिटर के ऊपर देख सकते हैं कहाँ देख पाएंगे मॉनिटर के ऊपर विजुअल मतलब किसी भी चीज को विजुअल करना होता है मतलब देखना और डिस्प्ले हमें कहा करेगा वो डिस्प्ले होगा हमारी स्क्रीन पे कहा होगा उसका डिस्प्ले उसका डिस्प्ले होता है हमारी स्क्रीन पे इसीलिए इसका हमने एक और नेम रखा वो क्या है उस नेम को हमने बोला विजुअल डिस्प्ले यूनिट क्या है वो नेम वो नेम होता है हमारा विजुअल डिस्प्ले यूनिट इट डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय कंप्यूटर सो कंप्यूटर जो भी इन्फॉर्मेशन जनरेट करेगा जो भी चीज हमें बताएगा वो हम कैसे देख पाएंगे

क्योंकि ये हमें आउटपुट शो कर रहा है इसलिए ये क्या है इसीलिए इसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं क्या कहते हैं इसीलिए इसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं क्लियर हुई बात नेक्स्ट पार्ट देखते हैं नेक्स्ट होता है हमारा माउस यू कैन सी दिस दिस इज वॉट दिस इज द माउस माउस क्या होता है माउस एकदम रियल चूहे की तरह दिखता है कैसा दिखता है रियल चूहे की तरह दिखता है तो so, ये भी क्या है ये भी एक मेन पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर होता है क्या होता है

एक यहां पर होता है राइट क्लिक और एक यहां पर होगा लेफ्ट क्लिक राइट तो इसमें क्या है इसमें दो क्लिक्स है राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक और इसके अलावा क्या है इसके अलावा इसमें होता है स्क्रॉल व्हील क्या होता है इसमें इसमें होता है हमारा स्क्रॉल व्हील जिससे हम क्या कर सकते हैं कंटेंट को तो अगर हमें ऊपर नीचे करना है स्क्रीन में हमें नीचे कुछ और देखना है तो हम क्या कर सकते हैं उस स्क्रॉल बटन को ऐसे करके कुछ स्क्रॉल करेंगे तो हमें क्या दिखेगा स्क्रॉल करने से हमें जो नीचे की इंफॉर्मेशन होगी वो भी दिखाई देगी क्लियर हुई बात

एन एरो लाइक फिगर दैट अपियस ऑन द मॉनिटर इज कॉल्ड अ माउस ये क्या है पॉइंटर कैसा होता है हमारे हमें ऐसा कुछ एरो जैसा हमें दिखाई देता है कैसा दिखाई देगा एरो जैसा हमें दिखाई देगा वही क्या है वही हमारा माउस होता है माउस की वजह से ही हमें वो एरो जो है वो मूव करता हुआ दिखाई देता है क्लियर हुई बात नेक्स्ट पार्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट है हमारा सीपीयू नेक्स्ट पार्ट क्या है नेक्स्ट मेन पार्ट है हमारे कंप्यूटर का सीपीयू सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है सीपीयू यू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से हम क्या कहते हैं इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इट इज द मेन यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग डाटा ये क्या करता है जो भी डेटा को प्रोसेस वाली चीजें होती हैं जैसे हमारा ब्रेन हमारे लिए वर्क करता है वैसे ही कंप्यूटर में जो भी टास्क परफॉर्म हो रहा है जो भी इनपुट आ रहा है और आउटपुट क्या आएगा ये सब कौन डिसाइड करता है ये सब डिसाइड करता है हमारा सीपीयू कौन डिसाइड करता है ये सारी चीज़ें डिसाइड करता है हमारा सीपीयू

सीपीयू कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ अ कंप्यूटर और क्या करता है वो कंप्यूटर में जो भी एक्टिविटी होगी कुछ विंडोज uh, स्टार्ट नहीं हो रही है या कोई भी प्रॉब्लम अगर कंप्यूटर में आती है और भी कोई एक्टिविटी है जैसे मैंने उसको बोला कि पेंट का ऑप्शन ओपन करे तो वो सारी एक्टिविटीज भी कंट्रोल कौन करता है कंप्यूटर का ब्रेन उन सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है सीपीयू कंटे पावर ऑन बटन डिस्क ड्राइव पावर स्टोर स्लॉट्स एंड मैनी कनेक्टर्स सीपीयू में क्या होता है पावर ऑन का बटन होता है मतलब जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होती है नेक्स्ट स्टेप हम सीपीयू में एक बटन होता है जिसको हम ऑन करते हैं उसी से क्या होता है उसी से हमारा जो कंप्यूटर है वो वर्क करता है राइट right? इसके अलावा क्या होता है डिस्क ड्राइव भी इसके अंदर होती है अगर हमें कोई सी है जिसको सीपीयू के कंप्यूटर uh, में हम उसे शो करना चाहते हैं तो हम उसे कहाँ डालेंगे उसके लिए यहाँ पे ऐसे स्लॉट्स गिवन होते हैं क्या होते हैं यहाँ पर स्लॉट्स गिवन होते हैं जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं एक बटन हम प्रेस करेंगे वो हमें निकल के बाहर आ जाएगा और उसमें हम क्या कर सकते हैं उसमें हम सी को उसमें हमारे पास जो डिस्क है उसको हम रख सकते हैं इनको क्या बोलते है? इने हैं इन्हें हम डिस्क ड्राइव्स बोलते हैं पावर स्लॉट्स भी इसके अंदर होते हैं जैसे ज, ज, जैसे कि पावर स्लॉट्स मतलब हम स्पीकर हेडफोन्स हैं वो सब क्या कर सकते हैं सीपीयू से कनेक्ट कर सकते हैं और भी अगर हमें कुछ कनेक्ट करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं सीपीयू के थ्रू हम कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है इसमें बहुत सारे तरह के कनेक्टर जो है वो प्रेजेंट होते हैं ठीक है नेक्स्ट मेन पार्ट देखते हैं कंप्यूटर का क्या है नेक्स्ट मेन पार्ट होता है हमारा कीबोर्ड नेक्स्ट मेन पार्ट क्या है कीबोर्ड अब कीबोर्ड में क्या था जिसमें डिफरेंट तरह की कीज होती हैं बहुत सारी कीज होंगी वो क्या होता है वो हमारा कीबोर्ड होता है कीबोर्ड इज यूज्ड फॉर डेटा इनपुट ये हम क्यों यूज करते हैं हमें कंप्यूटर को क्या इनपुट देना है क्या डेटा देना है सपोज मुझे टू प्लस थ्री फाइव मुझे चाहिए टू प्लस थ्री इंटू सिक्स इंटू फोर ऐसी इसका मुझे आंसर चाहिए तो मैं क्या करूंगी टू प्लस थ्री इंटू सिक्स इंटू फोर में क्या करूंगी की से टाइप करेंगे और उसके बाद हमें वो कहाँ विजिबल होगा उसके बाद हम उसे देख पाएंगे मॉनिटर स्क्रीन पर राइट सो so, की क्या है की क्या करता है इनपुट करता है हमारे डेटा को इट लुक्स लाइक अ टाइप ये कैसा दिखता है टाइप जैसा अब आप में से सारे बच्चे जानते नहीं होंगे टाइप क्या है तो so, टाइप क्या होता है एक बॉक्स होता है क्या होता है एक बॉक्स है जिसमें क्या होगा बहुत सारी डिफरेंट टाइप की कीज हमारी प्रेजेंट होती है

यहाँ पर आपने देखा होगा एफ वन से कहा तक एफ ट्वेल्व तक कीज प्रेजेंट होती है वो क्या है उन्हें हम बोलते हैं फंक्शन कीज और हमारे पास फोर एरो कीज कीज होती है, यहां पर होती होती पर है है वो एरो कैसी होती है? कुछ इस तरह से राइट ये ये क्या है? हम जब गेम्स वगैरह खेलते हैं उसमें हम लोग यूज करते हैं उसके अलावा कुछ स्पेशल कीज भी इसमें क्या होती है कुछ स्पेशल कीज भी इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट होती है तो यहाँ पर हमारा जो आज का लेक्चर है वो हम एंड करते हैं हमने आज क्या देखा हमने बात करी मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर की जिसमें हमने देखा मॉनिटर माउस सीपीयू और कीबोर्ड को इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कंप्यूटर के कुछ एडिशनल पार्ट्स की और उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं उनके जो पार्ट्स हैं वो क्या क्या फीचर्स हमें परफॉर्म करते हैं ओके चिल्ड्रन थैंक यू